पावर रेंजर्स बचा लेना अपने शहर को। फोर्थ एपिसोड ऑफ पावर रेंजर्स। सो गाइस, जैसे कि आपको याद होगा, अपन एपिसोड 2 में करे थे यार क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अगर आप 1, 2, 3 नहीं देखे थे और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, पहले वो देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई एपिसोड 2 में करे थे यार अपन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। सो उसके रिपोर्ट्स आ गए अभी के लिए। तो जो बंदा मर गया था यार, वो था एक साइंटिस्ट, या उसका नाम है यार डॉक्टर एल्फ्रेड। डॉक्टर एल्फ्रेड एक साइंटिस्ट थे। सो वो रिसर्च कर रहे थे यार जॉम्बीज के ऊपर, जॉम्बी वायरसेस के ऊपर। तो मैं और ब्लू रेंजर गए थे यार उनके लैब को वहाँ पे देखने के लिए। और जब उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, जैसे कि देखिए आप, बॉडी पूरा रैप था, बैंडेजेस लपेट दिए थे बॉडी के अंदर, तो अपने कुछ दिख रहा नहीं था। लेकिन जब बॉडी वो बैंडेजेस खोल के देखे तो यार वहाँ पे अपने को बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिसिंग दिखे। जैसे कि आधा सर था, तो आधा ही था। तो बहुत ही ब्रूटली मर्डर करे उनका, जो भी मर्डर करा बहुत ही भयंकर तरीके से मर्डर करे उनका। सो डॉक्टर एल्फ्रेड रिसर्च कर रहे थे जॉम्बीज के ऊपर, जॉम्बी वायरस के ऊपर। सो मेरे हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी जॉम्बी वायरस बना लिए। तो आप एक काम करो, आप ये क्लिप देखो जब 2-3 घंटे पहले मैं और ब्लू रेंजर गए थे डॉक्टर एल्फ्रेड के लैब को। सो आप ये देखो। ओके, सो गाइस, मैं और ब्लू रेंजर जा रहे हैं डॉक्टर एल्फ्रेड के लैब को। सो ये है पीछे अपनी कड़ी हुई ऑब्लिवियन शिप, इसमें ही जाएंगे अपन, देख सकते हैं। तो भाई ये जो शिप है यार, ये स्पेशली अपने पावर रेंजर्स के लिए ही है। आपको यहाँ ये शिप कहाँ पे भी देखने नहीं मिलेंगी। इसकी नाम है यार, इसका नाम है ऑब्लिवियन। और भाई ये GTA में कहाँ पे भी देखने नहीं मिलते। ठीक है, सो ये वाले शिप में जाएंगे अपन। चढ़ जाओ भाई। तो चलो, मैं तो चढ़ गया और ये अपना ब्लू रेंजर भी चढ़ गया ब्रो। सो एक मिनट, इसके लिए अपने को स्पीडोमीटर की ज़रूरत नहीं है। सो मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ओके सर, अपने डॉक्टर एल्फ्रेड का जो लैब है वो है यहाँ पर, या यहाँ पर जाना है अपने को। सो लेट्स गो। और ये शिप यार भाई बहुत मस्त है यार, ऐसा उड़ाकर मस्त लेके आ सकते हैं इसको। ये देखो, सो अपने को इस तरफ जाना है। तो वहाँ पे अपने को, मैं ऑलरेडी सर्च टीम को भेज दिया, जो ऑलरेडी जाके जो भी कुछ मिल रहा वो सभी सीज कर रहे होंगे। पुलिस वालों को भी भेजा था मैं यहाँ पे, और 2-3 डॉक्टर्स को भी भेजा था, ताकि जो भी DNA वीएनए मिल गए तो यार उसके सैंपल्स वैम्पल्स कलेक्ट कर सके। सो ऑलरेडी वो लोग पहुँच गए, सिर्फ अपने को जाके वहाँ पे चेक करना है कि क्या सब कुछ सही है। तो भाई देख सकते हैं यार अपनी शिप एकदम मस्त जा रही, सामने से कुछ ऐसा देखने मिलते। और इसके इसमें गन्स वंस भी लगे हुए हैं। सो यहाँ पे यार लैब यहाँ पे है। तो एक काम करेंगे, मैं अपन जो नज़दीक में जो भी हेलीपैड है ना वहाँ पे रोक लेंगे। ओ भाई, ओ नो 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 नो, ओके तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ओके सो नज़दीक, ओके ये वाला हेलीपैड है नज़दीक में। सो ये वाले हेलीपैड पे उतार देंगे। चलो भाई यहाँ पे उतरवा लेंगे, लैंड करवाएंगे। उतर जा। ओके तो भाई हम उतर गए यहाँ से। सो अपना ब्लू रेंजर यहाँ पे टायर रहा, नहीं आ रहा है ना, क्या हो गया भाई, आ जा। ओके आ रहा। ओके तो अपने को नीचे उतरना है क्योंकि लैब नीचे है, देख सकते हैं वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए अपने लोग। सो मैं नीचे उतरते हैं एक मिनट। सो आप देख सकते हैं ऑलरेडी अपने साइंटिस्ट पहुँच गए यहाँ पे लैब वैब से। ये देखो उनके वैन से यहाँ पे। सो अंदर जाकर देखेंगे अपन। ओके ओ भाई साहब, ये देखो यार यहाँ पे देखो,
ओके तो भाई यहाँ पे देखो हाथ है, हाथ है, आधी फेस है। तो ये जो फेस है यार, ये डॉक्टर आल्फ्रेड का ही फेस है, देख सकते हैं आप भाई साहब। और यहाँ पे मर्डर करे सो वेपन भी है भाई, बहुत ब्रूटली मर्डर करे यार। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मर्डर करे सो वेपन लगे हुआ है, और इनका लैपटॉप कैमरा वगैरह दिख रहा। सो ये मेरे हिसाब से ये बंदा जो है रिपोर्ट लिख रहा, फॉरेंसिक्स है ये बंदा। ये लोग फोटोज़ कलेक्ट कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट है जो नॉर्मली मैं इसको भेजा था, ताकि फिंगरप्रिंट्स वगैरह है तो देखने के लिए भेजा था। सो ये है अपने डॉक्टर आल्फ्रेड की लैब, यहाँ पे वो रिसर्च कर रहे थे यार जॉम्बी वायरस के ऊपर। सो यहाँ पे अपने को जॉम्बी वायरस तो देखने नहीं मिल रहा, सो जॉम्बी वायरस चुरा लिए होंगे यहाँ से, सो देखना पड़ेगा अपने को। तो ये है लैब उनका भाई। देखो यार यहाँ पे देखो, ऐसा मर्डर करके ऐसा फेस पड़ी हुई है, यहाँ पे हाथ पड़े हुआ है, क्योंकि जो डेड बॉडी अपने को मिली थी उसके भी बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे। सो यही है बॉडी पार्ट्स उसके। और ये देखो, यही वाले जार में मेरे हिसाब से जॉम्बी वायरस होगा, जिसको यहाँ से काली करके लेके गए। देख सकते ये जो भी बॉटल है यहाँ पे काली है, तो भाई मेरे हिसाब से कोई तो चोरी करा वो जॉम्बी वायरस, और जॉम्बी वायरस चोरी करते ही उसको डॉक्टर को मार दिया उन्हें। चलो कोई नहीं, तो भाई यार हम निकलेंगे यहाँ से, इन उनको उनका काम करने दो, उन्हें रिपोर्ट बना देते क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या आएगी, तो अपन जाके अपने शिप में बैठ जाएंगे। ओ भाई सॉरी। सो चलो यार अपने हेडक्वार्टर्स वापस जाएंगे मैं। ओ भाई कहाँ पे यार, इधर से चढ़। ओके सर यार, अपन हेडक्वार्टर्स वापस निकलेंगे। सो गाइस, जो भी वो यार जोम्बी वायरस है, अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो भाई बहुत भयंकर हादसे हो सकते हैं, क्योंकि भाई जोम्बी वायरस है, उसके कांटेक्ट में कोई भी आए भाई जोम्बीज बन जाते हैं। सो देखेंगे। एक मिनट, कुछ साउंड आ रहा, लग रहा कि यार पीसी से कुछ साउंड आ रहा, तो जाकर देखेंगे अपने मेन सिस्टम के पास, वहाँ से ही कुछ साउंड आ रहा। ओके यहाँ से चलो भाई। ओके कुछ वीडियो डिलीवर हुआ, कौन भेजे वीडियो? हेलो पावर रेंजर्स, मेरा नाम है फैंटम, और हाँ मैंने ही मारा है डॉक्टर अल्फ्रेड को, और मैंने ही चुराया है जोम्बी वायरस। अब ये शहर को जोम्बीज में बदलने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये शहर के लोग मुझे पागल कहते थे, मुझे इस शहर से बाहर निकाल दिया पागल कहकर। मैं तो इस शहर पे सिर्फ राज करना चाहता था, लेकिन अब ये शहर के लोग बनेंगे पागल और मैं करूंगा इन पे राज। मैंने जो भी जॉम्बी वायरस है उसको मैंने मिला दिया है शहर के हर एक डैम, नदी और सभी पीने के पानी में। अब सभी शहर के लोग बन जाएंगे जॉम्बीज, और वो बन जाएंगे पागल। उनके ऊपर करूंगा मैं राज, मैं फैंटम करूंगा राज। पावर रेंजर्स, बचा लेना अपने शहर को। To dream.